इस वक्त मैं हूं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपाइली में, और जैसा कि दो दिनों से चल रही यहां घटना, कल धरना प्रदर्शन चला और इसके पहले ज्ञापन दिया, आक्रोश रैली निकाली गई इन बच्चों के द्वारा, और आज यहां पर जो पुलिस की जो टीम थी वो निरीक्षण पे आई थी और बच्चों के बयान दर्ज कराने आई थी। बताइए, आज पुलिस आपकी जाँच के लिए आई थी, बयान लेने आई थी, क्या हुआ फिर? उन्होंने जांच करी जी और प्रश्न भी पूछे, और हाँ, हमने बोले कि सर गाली गलौज करते हैं और अच्छे से बात नहीं करते, और जो महार एससी कास्ट के लोग हैं उनकी बेइज्जती करते हैं। अच्छा। और एससी को महरे करके बुलाया जाता है। हाँ। तो सर ने बोले कि अभी आप वर्तमान की बात बताओ, पिछली बातें मत बताओ। और हमने जो मतलब आवेदन, अच्छा, एक मिनट, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि बंसोड़े। हाँ, बताइए रश्मि। मतलब सर का कहना ये है कि जो मतलब हमने आवेदन में लिखे, हाँ, वो बात को छोड़ के उससे, हाँ, नहीं, नकारा नहीं जा रहा, वो बात को छोड़ के उसी से मिला के दूसरी बात कहे जा रहे। अच्छा, दूसरी बात कहे जा रहे। और उनका ये कहना है कि आपके साथ अभी हुआ है क्या, बोल रहे हमारे पास। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आचल डोंगरे। हाँ, बताइए आचल, क्या? हमको जो क्वेश्चन पूछते हैं घुमा फिरा के पूछते हैं, हम बता नहीं पाते, हम चुपचाप रह जाते हैं, साइलेंट। वर्तमान की बातें बता बोलते, पिछली बार की नहीं बता बोलते, तुमने जो आवेदन भी लिखे वो बता बोलते, वो बताते, फिर भी मैं ऐसे ही बोलते। और पुलिस के द्वारा बयान हमारे हिसाब से नहीं लिया जा रहा है, अपने हिसाब से ले रहे पुलिस। कहना है कि महिला, हमने बोले जब महिला कांस्टेबल को बुलाओ करके, हाँ, तो उन्होंने कहा टीचर तो बैठे हम लोग तो है, फिर महिला कांस्टेबल को ऐसा क्या बताऊंगे, तो हमने बोले पहले आप बुलाओ फिर हम बताएंगे। कौन तो बोला ऐसा? ये टीआई सर ने बोला। टीआई सर नहीं आए थे? जो सर क्वेश्चन कितने ड्रेस पहन के नहीं आए थे? टीआई साहब नहीं थे। और जब हमने बोले कि मतलब सर ने हमको लचान करके बुलाया, तो बोले लचान से बोलने से क्या होता है, क्या होता है? तो कौन कौन शिक्षक वहाँ मौजूद थे? ठाकुर मैम थी बस। हाँ, फिर उनको भी नहीं रखना था ना वहाँ पे, हमें पूछताछ करना चाहिए ना, खुले में हमारी बात सुन नहीं रही है। हमारा मतलब ये है, जब यानी आप लोगों की बात पुलिस नहीं सुन रही है, तो आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अच्छे बयान हो, अगर वो टीचर को रख रहे तो हमारे घर का भी एक सदस्य रहना चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते, हमारे सपोर्ट में कोई भी एक सदस्य रहना चाहिए, जब कोई भी सदस्य रहना चाहिए, पेरेंट्स लोग कोई भी सदस्य रहना चाहिए। गुनाह आज का हो या कल का हो, लेकिन वो गुनाह गुनाह होता है, और ये जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए शिक्षकवादी को। और उसको बढ़ावा देंगे तो फिर क्या? मेरे को तो ये लग रहा है कि स्टाफ पूरा सर को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसा कि हमें बच्चों ने बताया कि बच्चों के साथ जो घटना घटी उनको दर्ज नहीं किया जा रहा है, सवालों को घुमा फिरा के लिया जा रहा है, और दूसरी बात बच्चों ने यह भी बताया कि कोई महिला कांस्टेबल नहीं आई थी, जो कि हमें देखा जाता है कि हमेशा हर केस में अगर कोई महिला के साथ घटना घटती तो एक महिला कांस्टेबल आती है, लेकिन यहाँ पर महिला कांस्टेबल नहीं आई। और बच्चों ने ये मांग भी की है कि अगर यदि पुलिस को बयान लेना है तो महिला कांस्टेबल को भेजे, अन्यथा बयान लेने ना आए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, बच्चे बिल्कुल यहाँ पर हमारे साथ सीधे बने हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं अंकित सरकार की विशेष रिपोर्ट।